हेलो दोस्तों, मैं निरंजन नेचर लव से। आज हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है जो येलो कलर का है। इसका हम ब्रूनिंग करके आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप इसको। क्योंकि हाँ, एक बात छूट गया, ब्रूनिंग करने से पहले किसी भी प्लांट को, ये जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आग से या कुछ ऐसे चीज से, मतलब इसमें का इन्फेक्शन खत्म करना है जिससे आपके पौधे खराब ना हो। तो इसका हम ब्रूनिंग करेंगे, हार्ड ब्रूनिंग भी कर सकते हैं इस समय, क्योंकि अब इनका ग्रो का टाइम शुरू होने वाला है। और ब्रून करने के बाद जो नया नया लीफ देगा इसमें, वो क्या होगा कि उसमें अच्छा से फूल खिल के आएगा। और इसका ब्रूनिंग हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। और जो भी ये, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, क्या करेंगे कि हम हल्का हल्का साफ फंगिसाइड लगा देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से हमारा ये पेड़ खराब नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने हर जगह ये लगा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा साफ कर लेंगे। वैसे गुड़ाई का वीडियो तो हम सब प्लांट का आपको दिखाएंगे, फिलहाल हम इसका कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम गुड़ाई करने से पहले, एक मिनट, ये जो साफ फंगिसाइड है इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने का मतलब ये है, जो इसमें इसके जड़ में जो कीड़ा उड़ा का प्रॉब्लम होगा वो इससे खत्म हो जाएगा और ये अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपको जो भी बताते हैं वो हम अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं, क्योंकि हम 5-6 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं। और आप ये देख ही सकते हैं, ये बिगोनिया का प्लांट है, सब इधर लगाया हुआ है। इसका ये करके बस इसको अब छोड़ देना है। और इसका अगर कटिंग आपको लगाना है तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका जो ये लीफ ये है डाली, इसको यहाँ से इसको कट करना है। और जो ये इसको है, ये हल्का हल्का ऐसे रफ करना है। और इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो इच्छा करे, या आप एलोवेरा जेल या दालचीनी का पाउडर होता है उसको लगा कर इसमें, और बस इसको हल्का सा यहाँ पे दबा देना है, बस ऐसे कर देना है। ये हम आपको डेमो के लिए बस दिखा रहे हैं कि आप जान जाइए कैसे किया जाता है दोस्तों। और एक ये देखिए, ये एक सेकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट है जिसको हम आज ही नर्सरी से लाए हैं। तो इसका वो भी हम, ये एक हम छोटा सा पॉट तैयार किए हुए हैं इसी के लिए, जिसको हम इसमें देख रहे हैं, इसको हम ऐसे लगाकर पानी दे देंगे। क्या हुआ कि हम नर्सरी में गए, और भी प्लांट नए हैं जिसका वीडियो हम आपको बाद में शेयर करेंगे, लेकिन ये हम कटिंग लाए थे तो इसको लगाना जरूरी था, इसलिए ये देखिए। और इसको हम साइड में इधर कर देंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 9 o'clock का पौधा है, इसको भी हम हल्का हल्का पिंचिंग कर लेंगे, क्योंकि गर्मी आ रहा है और गर्मी में इसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। पिंचिंग करने के बाद दोस्तों, इसमें जो ये घास फूस जो जम गया है इसको भी हम साफ कर लेंगे। ये थोड़ा हिल भी जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, तो राहिल जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पैसे साफ कर लेंगे। जैसे ही धूप खिलने लगेगी दोस्तों और बरसात का सीजन आएगा, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे। ये हम जमीन पर भी लगाए हुए हैं जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, उसका भी वीडियो हम आपको कभी दिखाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत सारा इधर उधर झुक गया था जिसके वजह से ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब इसमें फूल खिलेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया अपने गुड़हल के प्लांट का कटिंग करके, और गुड़ाई भी कर दिए, साफ फंगीसाइड भी डाल दिए। अब इनका सीजन आ रहा है, गर्मी गर्मी में बहुत ही अच्छे फ्लावर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो इतना देर देखने के लिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें।